हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं आई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए। कपड़े अभी सूख चुके हैं, धूप तो बहुत अच्छी खासी निकल रही है, लेकिन निकलते निकलते बहुत टाइम हो गया है। अभी 12 बज रहे हैं तो मैं आ गई थी। कपड़े तो नीचे भी डले हुए हैं। चलो पहले मैं कपड़े उतार लेती हूँ और फिर उसके बाद, पता है मुझे आज इतना ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे आज डॉक्टर के पास भी जाना है क्योंकि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। इसी वजह से जो है मैं जा रही हूँ, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। डर तो बहुत लग रहा है, देखेंगे। उससे पहले कपड़े उतार लेते हैं। कल सुबह के मैंने धो के डाले हैं कपड़े, लेकिन अभी तक सूखे नहीं है। ये मोटे मोटे इनके ट्राउजर्स वगैरह है तो वो नहीं सूखे हैं। और जब मैं कपड़े धोने के लिए आई थी ना, तो देखो मैंने क्या निकाल करके रखा हुआ था। तो ये है हमारा टोस्टर, ये मैंने उस वाले रूम में देखा, बच्चों के टॉयस वगैरह रखे हैं उसमें देखा था, तो ये टोस्टर मुझे मिला। और भी चीज़ें रखी हुई हैं उसमें जो यूज़ की चीज़ें हैं लेकिन यूज़ होती नहीं है। तो ये टोस्टर तो अभी सही रखा है तो इसलिए मैंने इसको निकाल लिया। अब इसको साफ़ करना बाकी है, लेकिन कल मैं ले जाना भूल गई थी नीचे। ये मर्फी का है, सही रखा है लेकिन थोड़ा सा गंदा हो रखा है अंदर से, भी साफ करना पड़ेगा सही से। तो देखेंगे, इसको भी लेके जाएंगे नीचे, सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ये तो बोल रहे थे कि नहीं सही है, अभी तो अभी ख़राब नहीं हुआ है वो, क्योंकि कुछ टाइम मतलब साल हो चुकी हैं इसको मंगाए हुए, लेकिन ज़्यादा यूज़ में नहीं आया कुछ। मतलब जब नई चीज़ आती है ना तो थोड़ा सा शौक लगता है नई नई चीज़ों का, फिर उसके बाद में वो चीज़ें रख जाती हैं। और इसी वजह से जो है ना इसको भी रख दिया था, लेकिन इसको ना ऐसे ही रख दिया था, इसी वजह से इसमें थोड़ा सा धूल मिट्टी और जंग वंग सी लग गई है। तो देखेंगे, इसको चला के नीचे लेके जाऊंगी, साफ करूंगी पहले, फिर देखूंगी सही चल भी रहा है या नहीं। आज सुबह तो जो है बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था और हवा भी चल रही है सुबह से ही, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली है, बिल्कुल मामूली सी। और कल मैंने ये वाला ब्लैंकेट धोया था, खुशबू तो अच्छी आ रही है। तो सारे कपड़ों को मैं कुछ इस तरह से इकट्ठे कर लेती हूँ, मतलब एक बड़ा सा बेडशीट ले लेती हूँ, उसके अंदर ही सारे भर लेती हूँ, फिर नीचे ले जाती हूँ। वरना एक एक करके अगर मतलब ऐसे हाथ में लेके जाओ ना तो फिर गिरते जाते हैं जीनों के ऊपर एक एक करके कपड़े, तो इसी वजह से मैं इस तरीके से ले जाती हूँ। तो बस अभी सारे कपड़े उतार लिए हैं और मैं जाऊंगी। अभी मैंने नहाया भी नहीं है, नहाना है मुझे, लेकिन धूप अच्छी लग रही है, हल्की हल्की सी धूप आ रही है ना, धूप में बैठना अच्छा लग रहा है। ये थोड़ी देर बैठूंगी फिर नहाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, क्योंकि अभी वैसे तो वो जो है ना 10 बजे बैठ जाती हैं, लेकिन 4 बजे तक रहता है उनका टाइमिंग, तो देखूंगी उसी बीच जाऊंगी मैं, क्योंकि सुबह अगर जाओ ना तो बहुत भीड़ होती है। आज मैंने ना बहुत दिन से मेरा मन हो रहा था दलिया, नमकीन दलिया खाने का, तो बस आज मैंने वही बनाया था ब्रेकफास्ट में, नमकीन दलिया वो खाया है। चलो अब मैं जा रही हूँ नीचे, और ये तो चले गए हैं कपड़े लेकर, मैं भी जा रही हूँ अकेले, अच्छा नहीं लगता।
तो आज ना सुबह से बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था, इसी वजह से जो है बिस्तर वगैरह मैंने नहीं हटाए हैं। नाश्ता भी इसी में ही हो गया, सब कुछ हमने बिस्तरों में ही कर लिया है। और ये आ गए हैं मेरे कपड़े, तो इनको फोल्ड करके रखूँगी। ब्लैंकेट्स वगैरह भी हटाने हैं। चलो फिर ये कर लेती हूँ। अभी मैंने कपड़े अपने सारे फोल्ड वोल्ड करके रख दिए हैं, और बस ये सोफ़ा कवर है, इसको भी मुझे लगाना है। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि हाँ, जानामाज के ऊपर जो है ना कमेंट आ रहे थे कि अपे आप जानामाज अपने कपड़ों के साथ में मत रखा कीजिए। तो डियर, वो जानामाज जो है ना, मैं अपने साफ़ सुथरे कपड़े, जो धुले धुलाए कपड़े होते हैं ना, मेरे बेडशीट्स वगैरह रखी हो उस वाले ड्रॉर में, तो मैं ना उधर ही रखती हूँ उसको, क्योंकि बाकी और जगह है नहीं। तो इसी वजह से जो है ना, जानामाज मैं उसी वाली उसमें रखती हूँ, और वो साफ़ सुथरे कपड़े रहते हैं उसमें, मेरे धुले धुलाए कपड़े रहते हैं उसमें, कोई भी गंदा कपड़ा नहीं रहता है। तो इतना तो मुझे ही पता है कि जानामाज को साफ़ सुथरी जगह पर ही रखना है, तो बस इसीलिए बस वहाँ रखती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं, बेडशीट भी ठीक ठाक कर दी हैं, और अभी एक आया था पार्सल, तो ये देखो ले लिया है। कितना बड़ा वांट रिसीव हुआ है। इसमें क्या हो सकता है, 6.5 किलो वजन लिखा है उस पे। बहुत बड़ा सा पार्सल आया, अभी मैं बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो पार्सल्स को ओपन करने की एक्साइटमेंट तो इतनी ज़्यादा रहती है, तो कुछ चीज़ें नहीं देखी जाती। सबसे पहले ऐसा लगता है कि इसको खोल के देख लेंगे क्या चीज़ आई है, और जो चीज़ हमने मंगाई है वो सही आई है या नहीं। नहीं तो अभी मैं इसको खोल के देख रही हूँ पहले। तो इसमें कुछ ड्रेसेस आई हैं, वो तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। जी मैं तो हो गई रेडी, और वेट कर रही हूँ हबी जी के आने का, क्योंकि उनके आने का ही वेट किया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रेडी नहीं हो पाती हूँ जल्दी से, तो वो नीचे जाके नीचे पहुँच भी जाते हैं, और गाड़ी वगैरह निकाल लेते हैं, फिर आवाज़ लगाएंगे कि जल्दी करो जल्दी करो, और फिर मतलब ऐसा होता है। और मोस्टली तो आज मैं रेडी हो गई, लेकिन बस उनका ही वेट कर रही हूँ, कहीं अभी चले गए हैं अपने पता नहीं कुछ काम से, तो इसी वजह से बोल रहे थे मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाना। बस मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन अभी जो है मैंने अपने बाल मेरे गीले थे ना, इसलिए मैंने ऐसे ही ओपन कर रखे हैं, लेकिन जब मैं जाऊँगी ना तो उनको बांध करके जाऊँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी ओपन करके, तब तक ये सूख भी जाएंगे, पता नहीं इनको कितना टाइम लगेगा। मुझसे तो बोल दिया रेडी होने के लिए, तो मैं तो हो गई टाइम से, और अभी खुद ही टाइम लगाएंगे। हाँ देखो कितना बजे तक आते हैं, कब हम लोग जाएंगे। डर तो मुझे बहुत लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या
समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। और अगर वहाँ पे जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड वगैरह शायद हो सके, देखते हैं क्या करवाती हैं वो, चेकअप वगैरह करेंगी तो देखते हैं जो भी होगा वहाँ पे पता चल जाएगा। और बस ये आ जाए तो बस इनसे ही पूछ के मैं पूछूंगी इनसे कि क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्योंकि शायद उन्होंने अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो उसमें सारी चीज़ें लगती है ना, पेपर्स वगैरह, इसी वजह से। तो अगर शायद अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे कुछ, तो वो रखूँगी। और देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, क्या करवाती हैं वो। डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप लोग दुआ करना बस अच्छे सब कुछ ठीक हो जाए। और दुआ तो लगता ही, पता है मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अगर बीमार भी पड़ती थी ना तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। डॉक्टर के पास जाने से इतना ज़्यादा डर लगता था ना, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अभी जो है ना डॉक्टर के पास ही जाना पड़ रहा है, हर किसी को डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से, सुई से। और अभी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं तो बड़ा अजीब लगता है सच में। मतलब एक इतनी डरपोक लड़की जो डॉक्टर के पास जाने से डरती थी, चाहे उसको फीवर हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाती थी बिल्कुल, दवाइयाँ भी नहीं खाती थी मैं तो, ये चीज़ होती थी मेरे साथ में। लेकिन अभी जो है ना सारी चीज़ें करनी पड़ रही है सिर्फ बच्चे के लिए। होता है शादी के बाद सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं आपको, जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे ना उस चीज़ को भी आपको फेस करना पड़ेगा। होता है। और बस अल्लाह का मैं तो शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है इस चीज़ से नवाजा है। ये बहुत बड़ी खुशी होती है एक औरत की ज़िंदगी में, लगता है कि शायद अल्ट्रासाउंड ही करवाएंगे, क्योंकि और चेकअप वगैरह तो होते ही हैं मंथली। तो देखते हैं शायद ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाएं कि क्या चीज़ ठीक ठाक है या नहीं है, कुछ भी है तो जो भी होगा मैं आप लोग वो बताऊंगी, सब शेयर करूंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इनके आने का वेट कर रही हूँ, ये आ जाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे।